हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिन प्लस टेक में। फ्रेंड्स, जब भी हमारे परिवार में बेटी का जन्म होता है तो हम उसे लक्ष्मी का रूप मानते हैं, लेकिन बेटी के जन्म के साथ ही हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी आ जाती है। जैसे हमें अपनी बेटी को अच्छी परवरिश देनी है, अच्छे से उसकी एजुकेशन देनी है, अच्छे से उसको अपने पैरों पर खड़ा करना है और साथ में ही उसकी अच्छे से शादी भी करनी है। लेकिन इन सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। तो भारत सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए बेटियों के लिए एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। तो आज के इस वीडियो में हम विस्तार से इस स्कीम के बारे में आपको बताने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी का बटन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत हमें हमारी बेटी जिसकी उम्र 10 साल से कम है उसका एक अकाउंट खुलवाना होता है जिसे सुकन्या समृद्धि अकाउंट कहा जाता है। इस अकाउंट में हमें थोड़ा थोड़ा पैसा बचत करके जमा करना होता है और वो पैसा कुछ सालों के बाद हमें ब्याज के साथ मिल जाता है जिससे हम अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी जो है अच्छे से कर सकें। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इस अकाउंट को खुलवाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो देखिए, इसमें आपकी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, उसकी फ़ोटो, उसके साथ में ही उसके पिताजी का जो है आधार कार्ड, उसके पिताजी का पैन कार्ड और उसके पिताजी की फ़ोटो, ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो है इसमें लगेंगे, तभी जो है आपका बच्ची का जो है सुकन्या अकाउंट ओपन हो सकता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इस स्कीम के अंतर्गत हम कितनी बेटियों के जो है सुकन्या अकाउंट खोल सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके एक बेटी है तो आप उसका जो है एक सुकन्या अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपके दो बेटियां हैं तो आप दोनों बेटियों का जो है सुकन्या अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तीन बेटियां हैं तो यहां पर कंडीशन आ जाती है कि मान लो पहले आपके एक सिंगल बेटी हुई हो और बाद में जो है दो जुड़वां बेटियां हुई हो, तो इस कंडीशन में आप तीनों बेटियों के जो है सुकन्या अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो पहले आपके दोनों जुड़वां बेटियां हो गई हो और बाद में सिंगल बेटी हुई हो, तो इस परिस्थिति में आप केवल दो ही बेटियों के जो है आप सुकन्या अकाउंट खोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इस अकाउंट में आप कितना पैसा जमा कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप अपनी बेटी का नया सुकन्या अकाउंट ओपन करेंगे उस वक्त आप कम से कम 250 रुपये जो है आपको जमा कराने होंगे। जब अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद जो है आप कितना भी पैसा जो है इसमें जमा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कि भारत सरकार ने इसमें एक लिमिट रखी है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक सिर्फ आप 1.5 लाख रुपया तक ही जमा कर सकते हैं। अगर आपने गलती से 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा जमा कर दिया तो वो पैसा जो है बाकी का पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा और उस पर कोई भी ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि भारत सरकार इसमें जो है कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट दे रही है। तो देखिए, भारत सरकार की ये एकमात्र ऐसी स्कीम है जिसमें जो है भारत सरकार सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रही है। वर्तमान में इसमें जो है 8.4% आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। इस स्कीम में जो है आप साल भर में जितना पैसा जमा करते हैं उसका जो है 31 मार्च को, यानी हर फाइनेंशियल ईयर का जो भी लास्ट दिन होता है 31 मार्च, उसको जो है ब्याज इस अकाउंट में जमा हो जाता है। तो हर साल आप जो भी पैसा जमा करेंगे उसका ब्याज हर फाइनेंशियल ईयर की 31 तारीख को जो है जमा होता रहेगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि देखिए ये जो अकाउंट है कितने साल का होता है। तो देखिए, ये जो अकाउंट है इसमें जो पूरा अकाउंट है वो 21 साल का होता है। और ये डिपेंड कैसे करता है, जिस दिन आप अकाउंट ओपन करेंगे, मान लीजिए आप अकाउंट ओपन करेंगे 1 जनवरी 2020 को, तो इसमें जो है आपको 15 सालों तक पैसा जमा करना होगा। तो 1 जनवरी 2020 से लेके आपको जब भी इसका जो है 15 साल होंगे, यानी 1 जनवरी 2035 तक आपको इसमें अपनी जो भी बचत होगी उसके अनुसार थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें जमा करते रहना होगा। और 15 साल के बाद आपको इसमें 6 साल इंतज़ार करना है, यानी 6 साल इसमें कुछ भी पैसा जमा नहीं करना है
और 21 साल जब इसके कंप्लीट हो जाएंगे यानी टोटल 21 साल हो जाएंगे तब इसमें पूरा पैसा जो है ब्याज के साथ आपको मिल जाएगा। यानी टोटल जो ये अकाउंट है वो 21 साल का होता है। यहाँ पर बेटी की उम्र से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मान लो ये अकाउंट बहुत लंबा पीरियड है, अगर इसमें से हमें बीच में से कुछ पैसे उठाने की जरूरत पड़ी तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, भारत सरकार ने इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन रखा है कि इसमें से अगर आपको अपनी बेटी की पढ़ाई करनी है लेकिन उस वक्त जब भी ये पैसा निकालेंगे तो आप इसमें से 50% पैसा ही निकाल सकते हैं। लेकिन उस वक्त जो है आपकी बेटी की उम्र 18 साल होनी चाहिए या फिर उसने जो है 10वीं क्लास पास कर ली हुई होनी चाहिए, यानी दोनों में से जो भी हो, या तो उसकी 10th पास हो गई हो या फिर उसकी उम्र 18 साल हो गई हो, दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन पूरी हो गई हो तो आप उसकी एजुकेशन के लिए, सिर्फ एजुकेशन के लिए ही जो है आप 50% पैसा उसमें से विड्रॉल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अगर मान लो ये अकाउंट जो है हमें पूरी तरीके से बंद करना हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए, दो परिस्थितियां होती है, एक बुरी परिस्थिति होती है और एक अच्छी परिस्थिति होती है। तो बुरी परिस्थिति की बात करूं तो बुरी परिस्थितियों में सबसे पहली परिस्थिति आती है कि जिसके नाम से अकाउंट खुला है, जिस बेटी के नाम से अकाउंट खुला है, भगवान करे ऐसा ना हो, अगर उसकी ही डेथ हो गई तो ये अकाउंट जो है बंद करना पड़ेगा, पूरी तरीके से इसको है जो बंद करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन आती है, मान लो जिस बेटी के नाम पे अकाउंट खुला है उसको कोई बड़ी बीमारी हो गई हो जिसमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो उसके इलाज के लिए, तो उस कंडीशन में भी जो है ये अकाउंट बंद किया जा सकता है पूरी तरीके से। और तीसरी कंडीशन आती है, मान लो जो इसमें पैसे जमा कर रहा है, यानी मान लो फादर है जो इसमें पैसे जमा कर रहा है, उनकी ही डेथ हो गई हो, तो उस कंडीशन में भी जो है ये अकाउंट पूरी तरीके से बंद किया जा सकता है। लेकिन इसका यह है कि इस स्कीम का कम से कम 5 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए तभी इन 3 कंडीशनों में जो है ये अकाउंट पूरी तरीके से बंद होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अच्छी परिस्थिति की। तो देखिए, अच्छी परिस्थिति यह है कि अगर हमारी बेटी की हम शादी करना चाहते हैं लेकिन शादी करने के लिए जो है बेटी की उम्र कम से कम जो है 18 साल तो होनी ही चाहिए, तो जब भी हम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं तो ये जो अकाउंट है बच्ची की शादी के लिए पूर्ण रूप से जो है क्लोज किया जा सकता है, चाहे उसके 21 साल जो है अकाउंट के 21 साल कंप्लीट हुए हों या नहीं हुए हों, तो ये जो है अच्छी कंडीशन में भी जो है इस एक अच्छी कंडीशन में ये अकाउंट पूरी तरीके से बंद किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसमें टैक्स बेनिफिट क्या मिलता है। तो देखिए, जितना भी पैसा आप साल भर में इसमें जमा करते हैं हर साल, अगर 1.5 लाख रुपये तक जितना भी पैसा आप जमा करेंगे वो पूरा 80 कैटेगरी के अंतर्गत आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। और इसकी एक और सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये जो अकाउंट जब आप 21 साल के बाद जो पूरा पैसा मिलने वाला है वो भी पूरा जो है टैक्स फ्री मिलने वाला है, उसमें से 1 रुपया भी जो है आपको भारत सरकार को टैक्स नहीं देना है। फ्रेंड्स, अब सबसे लास्ट में हम बात करेंगे, अगर आप इस स्कीम में हर महीने 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 या फिर 1.5 लाख रुपया तक जमा करते हैं तो आपको जो है 21 साल के बाद आपकी बेटी के लिए कितना रुपया मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1,000 रुपये की। अगर आप जो है 1,000 रुपया 15 साल तक जमा करेंगे तो आप टोटल पैसा 1,80,000 तक जमा कर देंगे, उसका आपको ब्याज के साथ मिलेगा 5,70,000 रुपया। अगर आप 2,000 जमा करते हैं तो आपका टोटल पैसा जमा होता है 3,60,000, उसका आपको मिलेगा 11,40,000। अगर आप 3,000 हर महीने जमा करते हैं तो आपका जो टोटल पैसा जमा होगा वो होगा 5,40,000 और उसके बदले में आपको मिलेगा 17,11,000। अगर आप 4,000 रुपये हर महीना जमा करते हैं तो आप जो है 7,20,000 रुपये जमा कर चुके होंगे और उसका जो टोटल रुपया आपको मिलेगा वो मिलेगा 22,81,000। अगर आप 5,000 हर महीने जमा करते हैं तो आपका टोटल पैसा जमा हो जाएगा 9,00,000 रुपया और उसका आपको मिलेगा 28,51,000 रुपया। और अगर मान लो आप साल का पूरा 1.5 लाख रुपया इसमें हर साल जमा करते हैं तो आपका जो टोटल पैसा जमा हो जाएगा वो हो जाएगा 22,50,000 रुपया और जो आपको ब्याज के साथ मिलेगा वो मिलेगा 73,90,000 रुपया। तो देखिए, इसका मतलब 74,00,000 रुपये तक जो है आप इस स्कीम में अपनी बेटी के लिए जो है बचा सकते हैं, जिससे आप उसका हर सपना जो है पूरा कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।